हेलो फ्रेंड, माय नेम इज स्वप्निल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्काउट। टेक्नोलॉजी स्काउट में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हमारा सब्जेक्ट है साकड़ीघाट यानी शिप शैंक साकड़ीघाट किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो की। और साथ ही साथ आपको दोस्तों घर पे रहना, स्टे होम, और घर से बाहर नहीं निकलना है दोस्तों क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो दोस्तों घर पे ही रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे नए वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे आज का टॉपिक है शिप शैंक साकड़ीघाट किस तरह से की जाती है। एक रस्सी लेनी है दोस्तों, रस्सी को आपको एस बनाना है, ये सिंपल सा एस बनाना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये एस बन चुका है, यहाँ से इस तरह से एस बनने के बाद आपको एक यहाँ पे एक सिंपल से नॉट बांधनी है एक सादी गांठ। ये देखिए मैंने सादी गांठ बांध दी है और इसी तरह से यहाँ पे भी एक सादी नॉट्स बांधनी है, सादी गांठ। इस तरह से सादी गांठ देखिए इस तरह से ये अपनी बन गई साकड़ीघाट यानी शिप शैंक। फिर से एक बार मैं करके बता दूँ आपको, सबसे पहले आपको एक एस बनाना है, सिंपल सा एस, ये मैंने खोल दी, ये एस बनाया इस तरह से, मैंने एस बनाया। एस बनाने के बाद ये जो रस्सी है इसको रोल करना है, एक सादी नॉट्स बांधनी है और यहाँ पे भी एक सादी नॉट्स बांधनी है। देखिए ये बन गई साकड़ीघाट यानी शिप शैंक। तो दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो जहाज़ों में बड़ी रस्सी रहती है उसको हम छोटा कहते हैं, यानी बड़ी रस्सी का काम नहीं सिर्फ छोटी रस्सी को। तो इस तरह से इसकी गार्ड बांध दिए जाते हैं साकड़ीघाट, यानी बड़ी रस्सी को छोटी करना। इसका उपयोग क्या है क्या नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको बता दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट्स करना ना भूले और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और घर पर रहिए, स्टे होम। थैंक यू।